मामूली से विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। एक की हुई मौत। घटना को अंजाम देकर चार आरोपी हुए फरार, जिनमें पूर्व सरपंच भी शामिल। हत्या को लेकर पूरे गांव में मातम का माहौल। हत्या का कारण पुरानी रंजिश, आरोपियों की तलाश शुरू कर पुलिस बल गांव में तैनात। विस्तृत है गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। जी हां, चौरावर पंचायत के सेमरी गांव में मामूली से विवाद को लेकर आरोपियों ने एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। हत्या को लेकर गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोपियों को जल्द पकड़ने के आश्वासन के बाद ही मृतक के परिजनों ने अंत्येष्टि करने दी। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। मिली जानकारी अनुसार सेमरी गांव में गुलाब सिंह लोधी की हत्या गांव के ही दबंग और पूर्व सरपंच तेज सिंह लोधी ने अपने साथियों के साथ कर दी। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते कल शाम एक विवाद हुआ था। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। टीआई सुमी देसाई ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही। सब बाद में घर जान के मारवा, घर जान सही मारो, लेटो लेट के मारवा ने तो भाई जान बचन ही नहीं दी। हां अगर तो कपड़ा मपड़ा फूट के तुम देखिए कपड़ा घर में कुछ नहीं मिलना था लाए। पूर्व सरपंच तेज सिंह लोधी और गुलाब सिंह लोधी के बीच में विवाद हुआ था एक टपरिया को लेके, जिसमें दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी और जिसमें इलाज के दौरान गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई विदिशा हॉस्पिटल में। और इसमें चार आरोपी हैं जो अभी तो फरार हैं, लेकिन जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मारपीट की वजह उसके दोनों के मकान रोड से लगे हुए हैं, तो गुलाब सिंह की एक टपरिया बनी है उसको हटाने पर से विवाद हुआ है। तो ये विवाद काफ़ी समय से चला रहा था, इनकी पुरानी रंजिश भी है। पहले गुलाब सिंह ने तेज सिंह के खिलाफ FIR कराई थी 452, 323, 506, 294 की, और इनका पुराना विवाद चला आ रहा है और यही रंजिश पैसे इनकी कल भी मारपीट हुई है।